तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूँ सैमसंग का जो फाइल मैनेजर ऐप होता है ना दोस्तों, उसके अंदर नए अपडेट के बाद और उस अपडेट के अंदर कमाल के नए चेंजेस के बारे में या कमाल के नए फीचर के बारे में, उसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो जैसा कि उन्होंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग फाइल मैनेजर ऐप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आप देखेंगे माय फाइल्स में सैमसंग माय फाइल नाम से एक अपडेट आपको मिल रहा होगा। तो ये सैमसंग माय फाइल है क्या? सैमसंग माय फाइल ये सैमसंग की खुद की ऐप है जिसके अंदर अपने फाइल मैनेजर कर सकते हैं और अपने पूरे मोबाइल का जो भी डेटा आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो ये फिलहाल ये अपडेट आया था 27 अगस्त को, पर मेरे पास अभी रिसेंटली शो किया गया है, तो आपको इसको पहले तो अपडेट कर लेना है। ऐसा उन्होंने यहाँ पर नहीं दिखा कि स्पेशली इसमें क्या नया चेंजेस किए गए, पर फिर भी छोटे छोटे इसमें अपडेट्स दिए गए, नए नए फीचर्स एड ऑन किए गए। और अगर आप इसके अंदर FTP वाला फीचर यूज करते हैं, FTP मतलब कि दूसरे ड्राइव से डेटा, मतलब मान लो आपने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है अपने मोबाइल में और अपने PC या लैपटॉप से आप डेटा को कैप्चर करते हैं फाइल मैनेजर को या उसके ड्राइव को कैप्चर करते हैं, तो उसके लिए पहले आपको अपडेट करना होगा, उसके बाद ही आप उस फीचर का यूज कर पाएंगे। अभी फीचर काम कैसे करता है, इसके अंदर कमाल के जो नया फीचर अपडेट ये है। पहले क्या होता था, अगर मान लो हमें किसी डेटा को कॉपी करते थे तो क्या होता था, हम कॉपी करने के बाद उसके अंदर वापस जाते थे, मतलब हमें वापस इंटरनेट स्टोरेज में जाना होता था, उस फोल्डर में जाना होता था पर्टिकुलर, फिर हम उसको ट्रैक मतलब क्लिक करते थे फिर पेस्ट करते थे। बट अब उसके अंदर नया शॉर्टकट दे दिया गया, जैसे ही आप यहाँ पर किसी भी चीज को कॉपी पर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक एक पॉपअप खुल जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर कहीं भी इसको सेव कर सकते हैं, अपने यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में, वन ड्राइव में, गूगल ड्राइव में, नेटवर्क स्टोरेज में, आप कहीं भी, जैसे कि मेरे स्टोरेज दिख रहा है, अब मुझे कहीं भी इसमें सेव करना है तो मैं उसको खोलूंगा, अभी मेरा लैपटॉप ऑन नहीं है तो यहाँ पर दिख जाता, उसके बाद मैं उसके अंदर उसको पेस्ट आउट कर दूंगा तो मेरा पूरी कॉपी वहां पर हो जाएगा। तो सबसे पहला कमाल का फीचर यही है इसके अंदर। अब उसके बात करें सेकंड जो फीचर की, वो भी बहुत शानदार है, वो ये है। अब यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी फीचर को काम कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे दो चीज कॉपी करनी है तो मैंने यहाँ पर इसको ड्रैग कर लिया, ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ से आ जाऊंगा बाहर, मैं होम की पे आ गया, होम की पे आने के बाद मैं इंटरनल स्टोरेज में आ गया, यहाँ मुझे कहाँ पर इसको पेस्ट करना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जहाँ भी मुझे पेस्ट करना है मैंने आके उसको पेस्ट आउट कर दिया, तो वो यहाँ पर कॉपी कंप्लीट हो भी गई है और डायरेक्टली वो कॉपी हो गया है। तो इस तरीके से भी आप इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर पाएंगे और बहुत इजीली। अब इसमें एक और ऑप्शन दिया गया जो कि मुझे बहुत ही शानदार लगा, वो ये है, मान लो अगर आपने ये दिख रहा है और आपको इसको कोई भी फोटो है या फिर कोई ऐसा मैसेज है या कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, मतलब होता ना इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स है, तो हम इसको बार बार जरूरत पड़ती है, हमें बार बार एक एक करके ऐप के अंदर आना, फोल्डर के अंदर आना बहुत दिक्कत लगती है, तो आप इसकी एक सेटिंग भी बना सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करने के बाद जहां भी बनाना है उसको वहां पर जाके पेस्ट कर देना है, तो वो वहां पर पेस्ट हो जाएगा, नीचे फाइल मैनेजर की ऑप्शन दिख जाएगा, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके उसको एक्सेस यहाँ पर आप कर पाएंगे। तो ये बहुत ही कमाल के फीचर दिए गए। उसके बाद बात करें इसी के अंदर, इसके अंदर ओवरऑल इसका यहाँ पर चलने का एक्सपीरियंस को भी इनहांस कर दिया गया है, परफॉर्मेंस को इनहांस कर दिया गया है, कुछ सिक्योरिटी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको भी इनहांस कर दिया गया है। और चलने में तो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फाइल मैनेजर सैमसंग का यूज करता हूँ, डेफिनेटली बहुत शानदार है। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी से आप यहाँ पर अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं, साथ में इंटरनल स्टोरेज अपने ड्राइव को भी यहाँ पर लिंक करके आप उसको यूज कर सकते हैं, साथ में रिसाइकल बिन का सपोर्ट मिलता है, एंड देन लास्ट में जो ऑप्शन मिलता है सबसे अच्छा मैनेज स्टोरेज करता, जो कि पूरी ब्रीफिंग करके बता देता है कि आपके मोबाइल की मेमोरी कब से सबसे ज्यादा कहाँ पर यूजेज हो रही है, कहाँ सबसे ज्यादा वेस्टेज हो रही है, तो आप उसको यहाँ से क्लिक करके उसका यूज कर सकते हैं। लाइक रिसाइकल बिन में कितना डेटा पड़ा है आपका, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कितना डेटा आपका रिसाइकल बिन में पड़ा है, उसके बाद अनयूज्ड ऐप में आपका कितना डेटा पड़ा है, कौन कौन सी ऐप जो आप अनयूज्ड करते हैं उसको डिलीट कर दोगे तो आप वहां से भी आपकी ऐप खत्म, मतलब आपका स्टोरेज बढ़ जाएगी, डुप्लीकेट फाइल्स कितनी सारी वो बता देगा, लार्ज फाइल आपके पास कितनी सारी वो बता देगा। तो इस तरीके से वाला काम करता है फीचर और बहुत ही शानदार फीचर लगता है यार मुझे, मतलब बहुत ही शानदार फाइल मैनेजर ऐप लगती है और अपडेट आपको जरूर करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे नहीं अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो हमें डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो करना।